अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कोरियन स्टाइल फ्रॉक कटिंग एंड स्टिचिंग। इसको आपको समझने के लिए पूरी वीडियो बहुत अच्छे से देखनी पड़ेगी और उम्मीद करती हूँ मैं आप लोगों को समझ में इंशाल्लाह ज़रूर आएगी। अब इस तरह से आपको 2 पीसेस फैब्रिक के ले लेने हैं। ये हमारी चोली कट हो रही है। अब आपको नॉर्मल मार्क जो करते हैं वही उस तरीके से मार्क कर लेना है। यहाँ पर आपको 6.5 इंच पर मार्क करना है, आर्म होल भी 6.5 पे मार्क कर लेने हैं। अब यहाँ से आपको 9 इंच पे मार्क कर लेना है, यहाँ से आपको 7.5 इंच पे मार्क कर लेना है। अब इन मार्कों को मिला देना है। अब आपको ये मार्जिन का एक्स्ट्रा मार्क कर लेना है। इस तरह से ये हमारी चोली का क्या नाम माप हो जाता है, अच्छे से कट हो जाएगी ये। अब आपको यहाँ से ये सब नॉर्मल वाली कटिंग करने के बाद अब यहाँ से आपको 3.5 पे मार्क कर लेना है, यहाँ से भी 3.5 पे मार्क कर लेना है। अब इस तरह से आपको इस लाइन को सीधा कर लेना है। अब यहाँ से आपको जितनी ब्रॉडनेस रखनी है वैसे ही आपको 4 इंच पे मार्क कर लेना है। अब इस मार्क को आपकी फ़िटिंग की मार्क को मिला देना है। अब ये जो मैंने 3 इंच की मार्क की है यहाँ से ही आपकी कटिंग होगी। इस तरह से आपकी कटिंग हो जाएगी और ये स्टिच करने में तो बहुत ही आसान है और ये थोड़ा सा कटिंग में थोड़ा आपको लगेगा पर कोई भी टफ नहीं है, नॉर्मल कटिंग की तरह है। बस 3 इंच में मार करके फिर हो जाता है। और अब आपको ये फ्रंट पार्ट ले लेना है, इसका 1/2 इंच आप डाउन कर दीजिए, गहराई दे दीजिए आपको, तो ये अच्छे से शेप इसकी आ जाती है। इस तरह से आपको एक्स्ट्रा कपड़ा ये भी कट कर देना है। ये हमारी चोली कट चुकी है। अब हमें स्लीव्स के लिए कपड़ा ले लेना है। इसकी मुझे लेंथ चौड़ाई लेनी है 10 इंच और लेंथ लेनी है हमें इसकी 27 इंच। अब इस तरह से आपको इसका कोई कट मुश्किल नहीं है, इसको आपको चोली से रख के इस तरह से आपको कट कर देना है। ये हमारी स्लीव्स कट हो गई, इस तरह से जॉइंट हो जाएगी। अब मुझे घेर कट कर लेना है। अब यहाँ से घेर कट करने के लिए आपको अपनी कमर का मार्क कर लेना है। यहाँ से देखिए मैंने 10.5 इंच पे लिया है, तो 10.5 इंच इस तरह से राउंड शेप में करते चले जाएंगे और यहाँ से हमारा बहुत अच्छे से शेप बन जाएगा और ये एकदम फिटिंग से अच्छे से आ जाएगा। अब यहाँ से मुझे चोली का एक्स्ट्रा निकाल कर अपनी लेंथ ले लेनी है। इसी तरह से आपको गोल गोल ला के ऐसे कटिंग कर लेनी है। ये हमारा फ्रंट, ये हमारा घेर भी कट चुका है। अब चलिए चलते हैं मशीन पर। अब इसके लिए मशीन पे आने के बाद हमें ये मेरा बैक पार्ट है और ये हमारा फ्रंट पार्ट है। अब इस तरह से हमें 2 इंच चौड़ी और लेंथ हमारे ये नेक के हिसाब से ले लेनी है। उसी तरह से आपको इस पर फोल्ड, गले में जैसे आपको पट्टी लगाते हैं उसी तरह से आपको ये पट्टी भी लगा लेनी है बहुत अच्छे से सफाई के साथ। बैक पार्ट फ्रंट पार्ट में दोनों ही पार्ट में लगा देनी है। इस तरह से आपको कच्ची सिलाई लगा लेनी है। इस पर आप तुरपाई कर सकते हैं, इस पर सिलाई नहीं लगानी है, इस पर तुरपाई करनी है क्योंकि सिलाई ऊपर से दिखेगी तो ख़राब लगेगी, तो इसके लिए फिनिशिंग के लिए आपको इस पर तुरपाई करनी होगी। इस तरह से आपको कच्चा लगा लेना है। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियोज़ को लाइक कीजिए, सपोर्ट कीजिए मेरे चैनल को। बहुत ज़रूरत है आप लोगों के सपोर्ट की और जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जिन्होंने किया हुआ उनका बहुत बहुत शुक्रिया। इस तरह से ही दोनों पार्ट में पट्टी इस तरह से जॉइंट कर लेनी है अच्छे तरीके से। ये हमारा फ्रंट पार्ट है। अब यहाँ से आपको वो प्लेट्स जो डलती हैं फिटिंग के लिए, इससे फिटिंग बेहतर अच्छी आती है, तो इस तरह से आपको ये प्लेट्स भी डाल लेनी है दोनों पार्ट में, बैक में भी डालनी है और फ्रंट में भी डालनी है। बैक में प्लेट लंबी ज़्यादा पड़ती हैं और फ्रंट भी कम पड़ती हैं। फ्रंट पार्ट में 6 इंच की पड़ती हैं और बैक में 7 इंच की पड़ती हैं। इस तरह से हमारे दोनों में प्लेट्स डल चुकी हैं, ये कंप्लीट हो चुका है। अब इसको हमें अपनी स्लीव्स को तैयार कर लेना है। इसको इस तरह से फोल्ड कर लेंगे, यहाँ पे हमारी इलास्टिक पड़ेगी। इस तरह से पहले आप सिंगल सिलाई लगा लेंगे तो आपको डबल सिलाई लगाने में दिक्कत नहीं होगी। इस तरह से दोनों स्लीव्स की सिंगल सिलाई कर लिए। अब यहाँ से 1-1 इंच पे मार्क कर लीजिए, इससे आपकी बहुत अच्छे से फिनिशिंग से बन जाएगी और यहीं आपकी इलास्टिक भी डल जाएगी। इस तरह से आपने लाइन बना ली है
अब आप इसी लाइन को पकड़ के फोल्ड कर दीजिए इस तरह से, जैसे मैं कर रही हूँ वैसे ही आप इस तरह से फोल्ड कर दीजिए। इससे इसकी बहुत अच्छी फिनिशिंग आ जाती है। अब ये इलास्टिक ले लेनी है, दोनों एक साइज़ की लेनी है। ये मैंने 8-8 इंच की ले ली है। इसमें डालने के लिए जो हमारे आस्तीन जॉइंट होगी, इससे ही हमारा शोल्डर पे ये इलास्टिक आएगी, तो शोल्डर के हिसाब से ही आपको इलास्टिक डालनी है, जिस तरह से आपको फिटिंग रखनी है। इस तरह से हमने दोनों साइड इलास्टिक को सिल लेना है। अब इधर भी हमें इसको इस पर सिलाई लगा देनी है इस तरह से। अब ये हमारा मोरी का हिस्सा है, यहाँ पे इतना ऊपर को मुझे इलास्टिक डालनी है। ये मैंने वहीं से पलट लिया था मोरी का, अब यहाँ से मुझे इलास्टिक डालनी है, तो मैंने यहाँ पे भी मार्क कर लिया है। इस तरह से दोनों पे आपका हो जाएगा। अब यहाँ पे पतली सी इलास्टिक ले लीजिए, इसको इसी इस तरह से पकड़ के सिलाई लगा देनी है। यहाँ से रखना है और खींचते हुए सिलाई इलास्टिक को लगा देना है। देखिए ये हमारी गैदरिंग बन रही है, और देखिए अच्छी लग रही है ये बनने के बाद। ये हमारी मोरी का साइड है। अब ये हमारी स्लीव्स भी तैयार हो चुकी है। अब हमें करना क्या है फ्रेंड, ये देखिए मैंने चोली का पार्ट रखा है, अब इसके ऊपर आपको लास्ट स्लीव्स को रख के इस तरह से सिल देना है। इस तरह से एक हमारा जॉइंट हो चुका है, इसी तरह से हमें दूसरी तरफ भी इसको जॉइंट कर लेना है। इस तरह से हमारी इधर भी इसको सिलाई लगा देनी है। अगर आप बहुत अच्छे से देखेंगे समझेंगे तो इंशाल्लाह आपको समझ में आएगा। देखिए ये हमारी एक साइड की तैयार हो गई, इसी तरह से हमें बैक पार्ट को भी तैयार कर लेना है। ये अब हमारा बैक पार्ट भी उसी तरीके से मैंने फ्रंट पार्ट में इसको जॉइंट किया था, उसी तरह से आप बैक पार्ट में भी इसको जॉइंट कर लीजिए। इस तरह से आप इस पर हो जाएगा जॉइंट। ये वाली फ्रॉक बनने के बाद बहुत ही प्यारी, बहुत ही स्टाइलिश डिज़ाइनर लगती है। अगर आप किसी भी प्लेन भी कपड़े से बनाएंगे, देखिए मैंने प्लेन कपड़े से बनाई है, ये बनने के बाद बहुत ही प्यारी, बहुत ही स्टाइलिश और मेंजेस भी पहनने के बाद बहुत प्यारी लगती है। ये देखिए हमारा नेक बनकर तैयार है। अब इसमें क्या करना है, अब हमें इसमें घेर जोड़ना है। घेर तो वो नॉर्मली होता है जो आप नॉर्मली फ्रॉक बनाते हैं, उस तरह से ही घेर को रख के इस तरह से सिलाई लगा लेनी है। इस तरह से दूसरे साइड भी आपको सिलाई लगा लेनी है। अब ये हमारी फिटिंग है, ये अब हमें अपनी फिटिंग की सिलाई भी लगा लेनी है। जब तक मैं अपनी फिटिंग की सिलाई लगा ले रही हूँ, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जो आपको कुछ पूछना है मुझसे, सीखना है मुझे बताइए। इंशाल्लाह मैं आपको ज़रूर बताऊंगी, ज़रूर समझाने की कोशिश करूंगी। क्या आप मुझसे पूछना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, बताइए मुझे, मैं बताऊंगी आपको। अब ये लीजिए, देखिए मेरी ये फ्रॉक बनकर तैयार है और बहुत ही प्यारी लग रही है ये। इंशाल्लाह इसके पहन कर ही फ़ोटो मैं पोस्ट करूँगी।